चेन्नई सुपर किंग्स कितनी बड़ी टीम्स है ना, और उनका फैन बेस तो उनसे भी बड़ा है। चाहे वो रोहित शर्मा के लिए हो, या फिर चाहे वो माही के लिए हो, या चाहे वो टीम्स का अपना फैन बेस हो, बट इस साल आईपीएल 2022 में दोनों ही टीम्स है पूरे पॉइंट्स टेबल के लास्ट में, टॉप कर रहे फ्रॉम द एंड, और ये नजारा जनरली हम ज्यादा देखते नहीं है। इस साल ऐसा हो रहा है और क्यों हो रहा है? पर ऐसे लग रहा है कि सभी की जड़ है मेगा ऑक्शन। पिछले साल तक मुंबई और चेन्नई दोनों ही टीम्स ने काफी तगड़ी टीम बना ली थी, बट इस बार जब रीशफलिंग हुआ तब ऑक्शन में वो चाहिए वैसे प्लेयर्स या फिर रिप्लेसमेंट नहीं ले पाए। मुंबई का सबसे बड़ा इशू यही रहा है, चाहे आप उनके प्लेयर्स को पूछो या चाहे आप उनके फैंस को पूछो, सभी का एक ही कहना है कि मुंबई क्या कर रही थी ऑक्शन में। अब रिसेंटली रोहित शर्मा आफ्टर प्लेइंग 4 मैचेस एंड लूजिंग ऑल ऑफ दोज मैचेस, उन्होंने कहा है कि वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड है विद द टीम। पहले तो उन्हें इस सिचुएशन में बार बार नहीं रहना, पर अब जब 4 मैचेस हार चुके तो उसके पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट वी कैन, वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट वी कैन विद द प्लेयर्स दैट वी हैव। इट इज रियली डिसहार्टनिंग क्योंकि मुंबई जैसी बड़ी टीम जब इतना पुअरली परफॉर्म कर रही हो तब सवाल तो उठेंगे। आई एम नॉट श्योर वेदर रोहित शर्मा अपनी टीम से खुश है या नहीं। इनफैक्ट ऐसे लग रहा है कि रोहित शर्मा ऐसे चाहते थे कि शायद ट्रेंट बोल्ट जो उनके प्लेड एंड टेस्टेड प्लेयर हो, उन्हें वापस लाना इन द टीम ओवर जोफ्रा आर्चर, जो एक साल के लिए तो अवेलेबल भी नहीं है। जोफ्रा आर्चर उनके एल्बो इंजरी की वजह से 2022 में नहीं खेलेंगे, एक्सपेक्टेड है कि 2023 से वो वापस आए। पर इस साल मुंबई का क्या होगा, स्पेशली जब उनके फायर पावर प्लेयर्स रोहित, बुमराह और पोलार्ड तीनों ही ना चल रहे हो। ऐसे में टीम सिलेक्शन से लेके मेगा ऑक्शन से लेके फाइनल टीम परफॉर्मेंस तक बहुत सारे सवाल उठते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो मेगा ऑक्शन में पिक किए हुए प्लेयर्स है मुंबई के, क्या वो इस साल मुंबई की नैया पार लगा सकते हैं या नहीं?